तो इसका मतलब हमें पता चल गया, कोई भी सिग्नल एक्टी या एक्शन है उसको हम लोग छोटे छोटे इंपल्स पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मैंने एक्स नॉट को बताया, एक्स नॉट इंटू डेल एन, एक्स वन मतलब हो गया कि एक्स वन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वन मल्टीप्लाई विद, क्योंकि ये शिफ्टेड वर्जन है वन का, तो एक्स वन मल्टीप्लाई विद देन एल माइनस वन, ऐसे निगेटिव साइन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इनफाइनाइट टाइम के सिग्नल, इनफाइनाइट टाइम तक के सिग्नल को इंपल्स से मल्टीप्लाई करके सिक्वेंस को ऐड करूँ तो हमारा एक्शन मिल जाएगा। यानी एक्शन इक्वल टू समीशन ऑफ के इन इनफाइनाइट के मूविंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स के मल्टीप्लाई विद डेल एन माइनस के। ये समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसे कंटिन्यूअस टाइम में भी ऐसे ही करेंगे। कंटिन्यूअस टाइम में हमने क्या देखा कि कोई ये सिग्नल है, अब चूंकि यहाँ पे जो एक्शन था वो एक इंपल्स के फॉर्म में होता है, एक पॉइंट के फॉर्म में होता है, तो उसमें एडलन में रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि कंटिन्यूअस टाइम में एक पॉइंट नहीं होगा, अगर पॉइंट लोगे तो इनफाइनाइट तुमको पॉइंट लेना पड़ेगा काफी लेंदी। तो मैंने वहां पे क्या बताया कि जो इम्पल्स है उस इम्पल्स को एक पॉइंट ना बना के एक रिक्टेंगुलर बना के ऐड कर लो, और जो रिक्टेंगुलर का विथ होगा डेल, और बाद में हम लोग क्या करेंगे डेल पुट कर लेंगे डेल टेंस टू जीरो। बात समझ में आया? डेल टेंस टू जीरो मतलब एक सिंगल सा पॉइंट। ठीक है, एक बार ये दोबारा समझ। ठीक, देखो अभी हमारा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था कि इम्पल्स एक 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 स्ट्रेट लाइन होता है सिंगल पॉइंट पे, वन पॉली पॉइंट पे, तो एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। लेकिन कंटिन्यूअस टाइम में अगर मैं एक छोटे छोटे सीक्वेंस को अगर हम लोग ऐड करते जाऊँ तो कंटिन्यूअस टाइम में इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक हमें ऐड करना पड़ेगा, जो कि काफी लेंथी हो जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या किया, एक सिग्नल लिया डेल एन, जैसे कि मैं इसको एक रिप्रेजेंट कर देता हूँ डायग्राम में। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि जैसे कि ये सिग्नल होता है डेल, डेल का सिग्नल कैसा होता है, तो इस सिग्नल को भी मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अप्रोक्सीमेटली ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया एक रेक्टेंगुलर, देख लो, जिसकी जो विथ है जीरो कॉमा जीरो से लेकर डेल तक, यानी जो टोटल विथ है वो विथ हो गई डेल, और जो इसकी हाइट है वो हाइट हो गई वन डिवाइड बाय डेल। एरिया कितना हो गया पहले वाले का भी, इसका जो एरिया अगर लोगे अभी भी वन आएगा, और इसका भी एरिया अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो डेल मल्टीप्लाई विथ वन बाय डेल, यानी अभी भी एरिया कितना हो जाएगा वन। ठीक है, तो मैं क्या बताया कि इस वाले सिग्नल को अप्रोक्सीमेटली ऐसे तुम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, बाद में अप्रोक्सीमेटली को फुलफिल करने के लिए डेल को मूव करवा देंगे, यानी कि पुट कर देंगे वैल्यू जीरो। जब ये डेल जीरो हो जाएगा तो ये लगभग लगभग इसी इंपल्स को रिप्रेजेंट करेगा। सर एक बार ये दूसरा डायग्राम दिखा देना दोबारा से। अभी ये समझ में आया कि नहीं यहाँ पे? सर आपकी आवाज बीच में रुक गई थी, आप ये दोबारा समझा दो दूसरे वाला डायग्राम। ठीक है, फिर से देख लो। तो मैंने यहाँ पे मैंने इस पूरे सिग्नल को एक रेक्टेंगुलर इंपल्स में ऐड करता गया। देखो ये रेक्टेंगुलर इंपल्स है, ध्यान से देखो। यस सर, दिख रहा है? बाद में मैं क्या करूंगा, ये अप्रोक्सीमेटली इसको कवर कर रहा है। देखो यहाँ पे गैप छूट रहा है, यहाँ पे गैप छूट रहा है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली काम कर रहा है। अब इसकी जो विथ है, जो इसकी विथ है वो है डेल, ठीक है, या ईटा समझो, डेल्टा जो भी है, डेल्टा फंक्शन, तो डेल्टा फंक्शन इसकी विथ है। हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा पुट कर लेंगे डेल्टा इक्वल टू जीरो, तो जब ये जीरो हो जाएगा यानी विथ एक सिंगल लाइन बन जाएंगी, तो हमारा ये जो अप्रोक्सीमेटली है वो लगभग लगभग एफ टी को रिप्रेजेंट कर देगा। अभी समझ में आ रहा? ये समझ में आया? बोलो जल्दी। नहीं सर, नहीं समझ में आया, फिर से देखो। जैसे मैं डेलन से रिप्रेजेंट कर रहा था, और मान लो मेरे पास ये इनफाइनाइट एक सिग्नल है, अगर मैं इसको डेलन से एग्जैक्ट पॉइंट इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ऐसे कई इनफाइनाइट डेल मिलेंगे। देखो ऐसे इंपल्स बहुत सारे देने पड़ेंगे ना? यस सर, क्योंकि ये तो बहुत एक सिंगल पॉइंट पे होता है, तो ऐसे करते हुए तुमको इनफाइनाइट पुट करने पड़ेंगे, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैं क्या किया, इस तरह ना रिप्रेजेंट करके मैंने इसको एक बॉक्स में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया इस टाइप में। देखो ये
और लास्ट में क्या करूंगा, जो कि इसकी जो विथ है वो डेल है, इसको मैं मूव कर दूंगा डेल इक्वल टू जीरो। तो जब ये विथ जीरो हो जाएगा यानी कंप्रेस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली ये एक्स टी को रिप्रेजेंट करने लगेगा। सर पर ये जब डेल इक्वल टू जीरो हो जाएगा, पर ये तो उस टाइम पे एक सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा फिर भी? नहीं नहीं अभी फिर से देखो, जब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये इनफाइनाइट ही है, अभी भी इसको इनफाइनाइट ही ले रहे हैं। देखो यहाँ पे जो ले रहे हैं हम लोग माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ही लेंगे, क्योंकि अभी इसको मतलब जो एक्स टी रिप्रेजेंटेशन है उसको सिंपल दिखाने के लिए इसको हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि एक रेक्टेंगुलर हो। ठीक है, तुम सारे डेल को देखो, जब इस डेल को करोगे तो भी इस पॉइंट पे बनेगा, इसको मूव करोगे तो भी ऐसे इस पॉइंट पे आएगा, तो ये इनफाइनाइट लेंथ जो सिग्नल है उन सबको कंप्रेस करता जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, मैं एक इक्वेशन सिग्नल दिखाता हूँ, जैसे ये सिग्नल को देखो, अभी ये सिग्नल है, ये रेंज बना, ये रेंज बना, लास्ट में देखो ये इस टाइप का सिग्नल बनेगा, जब इन सबको जोड़ोगे तो ये इस टाइप का सिग्नल बनेगा, दिख रहा है अभी? यस सर। लेकिन जब इसकी विथ को जो इसको विथ को अप्रॉक्स ले लोगे, यानी कि इनको जो जो डेल है ये ईटा फंक्शन है उसको अगर तुम जीरो पुट कर दोगे तो ये लगभग एक स्मूथ कर्व बन जाएगा। जैसे कम्युनिकेशन में पढ़ते हो सैंपलिंग, ये एक तरह का क्वांटाइज कर रहा है अभी, बाद में इसको ओवरऑल एक एनवलप हम इसको दे देंगे। ठीक है, तो ये अभी समझने के लिए, इसमें ज्यादा कुछ माथापेची नहीं करना, बस ये समझना है कि इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे हम लोग एक्शन में किए थे। ठीक है, ओके सर। ठीक, अभी जैसे मान लो कि इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है, तो इस सिग्नल का वेट मल्टीप्लाई विद वो सिग्नल विद शिफ्टेड टू डेल्टा फंक्शन। ठीक, ऐसे ही हम लोग इस सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही हम लोग राइट वाले सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इन सारे तीनों सिग्नल को जब ऐड करेंगे तो ये जो एच टी है वो अप्रॉक्सीमेटली एक पल्स ऑफ स्टेयर केस वाले सिग्नल में रिप्रेजेंट हो जाएगा। देखो ये अप्रॉक्सीमेटली हो गया, और ये कैसे होगा, सबमिशन के फॉर्म में, क्योंकि ये डेल फंक्शन है। अभी सबमिशन को हम लोग अगर एक इनवेलप दें, तो हमने बताया था कि जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको ना जोड़ के अगर मैं इसको और ज्यादा बहुत माइन्यूट पॉइंट पे जोड़ूं तो इसको मैं क्या करूंगा, इंटीग्रल कर दूंगा। तो इंटीग्रल हो गया माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और ये जो के डेल फंक्शन है वो डेल तो जीरो हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ ये टाउ बचा क्योंकि ये पास होते गए, और ये फंक्शन डेल टी माइनस टाउ देख लेगा। ये कन्वोल्यूशन है? हाँ, ये कन्वोल्यूशन नहीं है, अभी सिर्फ एक्स टी का रिप्रेजेंटेशन है, अभी कन्वोल्यूशन नहीं आया है। एक्स टी का रिप्रेजेंटेशन डेल टी तो एच ऑफ टी के इक्वल ही तो होता है। डेल टी क्या किसके इक्वल होता है? एच टी, वो देखो वो इंपल्स रिस्पॉन्स है, अभी उसके बारे में बात में बात करूंगा, उसका बेनिफिट लेना है। एक्चुअली तुम्हें वहां ये बताया गया कि अगर डेल्टी हमें अप्लाई कर रहा हूं तो एचटी मिल रहा है, तो हमारा इक्वेशन सॉल्व करना आसान होता है, इसीलिए मैं सारे सिग्नल को इंपल्स के फॉर्म में ब्रेक कर रहा हूं। अच्छा, अभी समझ में आया? हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी सिग्नल को इंपल्स के फॉर्म में अगर मैं ब्रेक करता हूं तो उसका रिस्पॉन्स लेना मेरे लिए आसान हो जाता है, इसीलिए मैं एक्शन को भी इंपल्स के फंक्शन में तोड़ रहा हूं। देखो एक्शन इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स के एन माइनस के, और यही इसी तरह मैं जो कंटिन्यूस वाले भी सिग्नल को तोड़ रहा हूँ, एक्स टी एक्स टाउ डेल टी माइनस टाउ डेल्टा। अभी समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये डेल जीरो, जो डेल इक्वल टू जीरो ले रहे हैं हम सर, ये उसकी विथ जीरो कर रहे हैं? हाँ, विथ, इसकी जो विथ है उसको ये जीरो कर रहे हैं, ताकि ये देखो अभी हो क्या रहा है कि ये इनफाइनाइट की विड्थ जीरो हो जाएगा तो सिग्नल ही खत्म नहीं हो जाएगा, ये विड्थ जीरो हो जाएगा। विड्थ जीरो का मतलब ये सिंगल एक पॉइंट बनेगा, जैसे मान लो तुमको इंपल्स बताओ तो इंपल्स की विड्थ कितनी होती है, वो अप्रोक्सीमेटली जीरो, ना उसको तुम सेकंड में बता सकते हो ना उसकी कोई विड्थ बता सकते हो, ये लगभग लगभग जीरो ही है। याद करो जब मैं इंपल्स पढ़ा रहा था, इंपल्स का रिप्रेजेंटेशन मैंने तीन टाइप से पढ़ाया था, इसको रेक्टेंगुलर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग एक ट्रायंगल वेव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस विड्थ की जो चौड़ाई होगी या विड्थ होगी उसको हम लोग जीरो कर देते हैं। ठीक है सर। डेल के रिप्रेजेंटेशन में पढ़ना, ये तीनों मेथड से मैंने पढ़ाया हुआ है वहां पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ बताया कि एक्स टी को कंटिन्यूअस टाइम को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल के फंक्शन में, और डिस्क्रीट टाइम को भी। अब हम लोग आते हैं कन्वोल्यूशन पे। ठीक है, कन्वोल्यूशन हमारा दो टाइप का, एक है कंटिन्यूअस टाइम के लिए और एक है डिस्क्रीट टाइम के लिए। ठीक, कन्वोल्यूशन का भी सिंपल सा मतलब अभी समझ लो, अभी इसको कैसे कर रहे हैं मैं बताऊंगा। कि अगर किसी इनपुट को किसी भी एलटीआई सिस्टम में कोई इनपुट अप्लाई कर रहे हो, तो उस एलटीआई जो आउट अप्लाई कर रहे हो इसके साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि एक्स टी मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तरह का मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लीकेशन नहीं, एक तरह का मल्टीप्लाई एच टी के साथ, और आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, एच टी कन्वॉल्व विद एच टी। ये जो मल्टीप्लीकेशन है सिग्नल के केस में हम इसको दे रहे हैं कन्वोल्यूशन का साइन, हालांकि एक तरह का मल्टीप्लीकेशन ही है। यहाँ समझ में आया? हेलो, यस सर, यस सर। अब एक पॉइंट में थोड़ा सा एक कैसे इसको मल्टीप्लाई में कह रहा हूँ एक बार जरा देखो, मैं एक तुम लोग को इक्वेशन भी दिया था, सबको आवाज आ रही है ना? देखो जैसे मान लो कि मुझे ये फंक्शन है एच के इक्वल टू 16 और एच के इक्वल टू 16, अभी मतलब 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? हाँ, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 ही होता है ना? 256। तो इसको देखो 256 अभी भी आएगा। अब मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ कि इनपुट हमने अप्लाई किया 16, सिस्टम का बिहेवियर है 16, अब हम आउटपुट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आउटपुट निकालने का तरीका क्या है कि पहले सिग्नल को रिवर्स करते हैं, बाद में इसको शिफ्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, 16 को रिवर्स किया, तो 16 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 6 × 6.1, तो ये हो गया 6.1। और जहां पे ओवरलैप होता है बस उसको मल्टीप्लाई करो, ये ओवरलैप देखो 1 × 1 है, तो 1 × 1 का मतलब क्या हुआ, 1। फिर एक शिफ्ट कर दो राइट साइड, राइट साइड शिफ्ट किए, ये बन गया यहाँ पर 6.1। अब देखो ओवरलैप कितना हो रहा है, 6 × 1, 1 × 6, कितना आ जाएगा 6, और यहाँ भी आएगा 6, लास्ट में जोड़ दो ये आ गया 12। ऐसे ही एक बार और शिफ्ट करो, तो 6, अब ओवरलैप कितना हो रहा है, 6 × 6 आ रहा 36, बाकी जीरो जीरो हो गए। एक बार और ओवरलैप करो, अब कोई ओवरलैपिंग नहीं आ रहा है, तो जीरो। अब ये जो फंक्शन है इनके विथ के यानी कि किस पोजीशन पे ये थे, इनको उस पोजीशन के हिसाब से जोड़ो, ठीक है। तो इस पोजीशन के हिसाब जोड़ने के लिए ये पोजीशन आ रहा है 10 पे, ये पोजीशन आ रहा देखो 1, 2, और ये पोजीशन एक और शिफ्ट आ रहा है 36 पे। इन सबको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 256। देखो अभी समझ में आया? इल्ले, नो सर। इल्ले, ठीक है, फिर से देखो। तो ओवर अभी मतलब इसको मैं पूरा एग्जैक्टली समझाऊंगा, बस तुमको ये समझना है कि जो मल्टीप्लीकेशन तुम लोग अपने जो मैथ में करते हो ये मल्टीप्लीकेशन एज इट इज वही है, लेकिन वहां पे क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि 2 का मल्टीप्लाई किए तो 6 हो गया। अब ये हमारे पास सिग्नल है तो ये इसको ये नहीं पता कि 2 कौन सा होता है, 3 कौन सा होता है, ये बस एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है। तो मल्टीप्लीकेशन वाली रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आउटपुट दोनों का सेम आएगा, बस वो तरीका चेंज हो रहा है, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, ठीक, अभी बात आ रही है। हाँ, अभी फिर देख लेंगे कैसे वो कर रहा था। अभी तुमको ये समझना है कि अगर इनपुट एचटी अप्लाई कर रहे हो और आउटपुट एचटी आ रहा है, तो इन दोनों को अगर हम लोग को आउटपुट लेना है तो इन दोनों का कन्वोल्यूशन हो जाता है। कन्वोल्यूशन मतलब एचटी का एक तरह का मल्टीप्लीकेशन, जिसको मैं बोल रहा हूँ एस्ट्रिक्स, और ये हो गया इसको बोला जाता है कन्वोल्यूशन, ठीक। यहाँ समझ में आया? यस सर। अभी ये कैसे होता है थोड़ा सा हम लोग पहले देखेंगे कंटिन्यूअस सम का, उसके बाद इसको उल्टा देख लेंगे कंटिन्यूअस टाइम का। सम आसान है इसलिए मैं उसको पहले उसमें ले जा रहा हूँ। तो डिस्क्रीट टाइम में हम लोग बोलते हैं कन्वोल्यूशन सम, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, तुमको ये पता है कि किसी भी सिग्नल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, डेल एन के फंक्शन में कर सकते हैं। देखो इस इक्वेशन में किसी को दिक्कत? नो सर, ठीक है। अभी इसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन अप्लाई किए थे जिसमें मैंने बताया था कि अगर किसी सिग्नल में डेल एन अप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाता है, एच एन ही आएगा। यस सर। अब हमने ये बताया कि यहाँ पे जो फंक्शन है जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो ये किस तरह का है, शिफ्टेड वर्जन ऑफ डेल मल्टीप्लाई विद उसका वेट, और ये वेट क्या है, कांस्टेंट है ये वेट। मतलब वेट का मतलब क्या है, 2 होगा 3 होगा, तो ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन है ना ये। तो मैंने क्या किया, डेल को पहले अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया, एच एन आ गया, ठीक है। फिर हम लोग इसको थोड़ा शिफ्ट किए, अगर शिफ्ट किए तो यहाँ पे आउटपुट में भी शिफ्ट हो गया, होगा सर। अगर हम लोग किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट में भी उसी चीज से मल्टीप्लाई होगा, यस सर। और अगर हम लोग ऐसा इनफाइनाइट सारे सिग्नल को करें और लास्ट में ऐड कर दें, तो तुमको पता है LTI सिस्टम है, यानी कि इनपुट में अगर ऐड करते हो तो आउटपुट में भी हमारा क्या होते जाएगा, ऐड हो जाएगा बस। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक्शन तुम इनपुट अप्लाई कर रहे हो तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आ जाएगा SK HN-K, और ये फंक्शन ही इस तरह का कन्वोल्यूशन फंक्शन है।
अभी समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं कि इंडिविजुअल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। देखो जो पूरे सिग्नल होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में हम लोग अप्लाई करते जाते हैं और उसका आउटपुट लेते जाते हैं और लास्ट में इसको जोड़ देते हैं, तो जो रिजल्टेंट एडिशन आता है वही आउटपुट होता है और उसी को हम लोग बोलते हैं कन्वोल्यूशन। तो कन्वोल्यूशन बराबर क्या हो गया, वाई एन इक्वल टू एस के एच एन माइनस के। यहाँ पे तुमको ध्यान देना है कि ये जो लिमिट है वो लिमिट एस के अंदर है और ये है तुम्हारा लिमिट। ठीक है, जो वेरिएबल है वो एन है, जो शिफ्टिंग है वो एन है, जो वेरिएबल जो मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है के, जैसे वहां टी कहते हो ना, तो ये है के, लेकिन जो शिफ्टिंग है वो है एन। अब कन्वोल्यूशन निकालेंगे कैसे, थोड़ा ध्यान देखो, ध्यान देना। यहाँ पे एस के एक सिग्नल है और यहाँ पे क्या है एच एन माइनस के, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एच माइनस के प्लस एन लिख सकते हैं। यस सर। और एन एक शिफ्टिंग है, एन शिफ्ट है, यानी कि हमारा जो वेरिएबल है वो के है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा होगा स्टेप नंबर वन कि इन सिग्नलों को पहले के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, यानी कि अगर एच के एस एन कुछ भी दिया होगा तो इसको एच में रिप्रेजेंट कर दो। अब यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस के रिवर्स, तो रिवर्स कर लेंगे इसको, कर लेंगे yes, sir. रिवर्स कर लेंगे yes, sir. ठीक है, yes, sir. एक एक करके शिफ्ट करते जाओ, एक एक करके शिफ्ट करते जाओ। ठीक है, जब शिफ्ट करते करते वो जीरो हो जाए, मतलब शिफ्ट कर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और जहां जहां कॉमन आता जाएगा, जहां जहां ओवरलैप आता जाएगा उसका आउटपुट निकाल लेंगे। एक वीडियो तुम लोग को दिखाता हूँ, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। सर दोबारा बता दो, दोबारा बता दो। हाँ, पहले एक वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद तुमको आसानी होगा समझने में। ठीक है, देखो जी, मान लो कि मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस टाइम में दिख रहा है सबको वीडियो, ये यहाँ पे दिख रहा है सबको? यस सर। देखो यहाँ पे सर दो सिग्नल मेरे पास लिया गया, देखो ये हमारे पास सिग्नल है एफ टी और जी टी, इन दोनों का कन्वोल्यूशन लेना है मुझे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सिग्नल को फिक्स कर देंगे। देखो यहाँ पे कन्वोल्यूशन ले रहा है, एक सिग्नल को मैंने फिक्स कर दिया, जैसे यहाँ पे पुराने में क्या है एफ टी है, एफ टी को मैंने फिक्स कर दिया, ये देखो जो रेड सिग्नल है वो एफ टी है। और फिर जी टी को, जी टी को सबसे पहले इसको रिवर्ट करेंगे, रिवर्ट मतलब इसका जस्ट रिवर्सल लेंगे और फिर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। देखो ठीक है, अभी यहाँ पे देखो दोनों जब यहाँ पे इसके पहले जब ओवरलैप नहीं था, जी टी को सबसे पहले रिवर्ट लिया और लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किए, लेकिन जब दोनों का ओवरलैप नहीं था तो आउटपुट हमारा जीरो आ रहा था। अब ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैपिंग का मतलब अब ये पोजीशन है, तो इसका एरिया इस तरह से लेकर जाएंगे, एक तरह से ओवरलैप हुआ वहां पे इंटीग्रल करेंगे लिमिट यहां से लेके यहां तक, और जो आउटपुट आएगा उसको ड्रॉ करते जाएंगे। देख लीजिए डायग्राम, देखो ओवरलैपिंग बढ़ रहा है तो आउटपुट भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब ओवरलैप पूरा हो जाएगा, देखो ऐसे समझते जाना, ओवरलैप आता जा रहा है, ऐड करते जा रहा है, पुराने वैल्यू में ऐड करते जा रहे हैं। अब ये ओवरलैप देखो कंप्लीट ओवरलैप हो गया, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब ओवरलैप इंक्रीज नहीं करेगा ना, ओवरलैप तो कंप्लीट वही है, इसलिए वैल्यू कांस्टेंट आते जा रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ अब yes, sir. कि देखो जब अब ये कांस्टेंट आता जा रहा है, अब जब इसका ओवरलैप डिक्रीज होने लगा तो आउटपुट देखो फिर से ये डिक्रीज होने लगा। Wow. समझ में आया ये? Yes, sir. इसका मतलब क्या है, देखो दोनों की सिग्नल की जो विथ थी, हालांकि वो दोनों विथ अलग अलग थे, इस वजह से ये एक ट्रोपोजाइडल फंक्शन, इसको कहा जाता है ट्रोपोजाइडल फंक्शन आया। अगर दोनों की विथ बराबर होती तो ये एक ट्रायंगुलर फंक्शन बनता। समझ में आया? तो ओवरऑल क्या है कि हमने yes, पास कोई भी सिग्नल होता है तो सबसे पहले उस सिग्नल को हम लोग रिवर्ट करते हैं, रिवर्ट करने के बाद उसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं और एक एक करके शिफ्ट करते हैं और फिर ऐड करते हैं, तो हमारा आउटपुट आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बताया, देखो अब ये इक्वेशन को देखो, 16 और 16 है, सबसे पहला काम क्या है, एक फंक्शन को फिक्स कर लो। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाले 16 को मैंने फिक्स कर दिया, दिख रहा है यहाँ पे, एक बार देखो यहाँ पे दिख रहा है ऊपर वाले 16 को। तुम ये मत देखो कि वो 16 नंबर है, तुम ये समझो कि वो एक सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है बस।
ठीक है, तो 16 को मैंने फिक्स किया और नीचे वाले सिग्नल का पहला काम क्या है कि उसको रिवर्ट कर दो, रिवर्ट कर दो और ऐसे पोजीशन पे ले जाओ जहां ओवरलैप नहीं था, तो इसको रिवर्ट कर दिए, तो ये क्या बन गया 6-1। और लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में देखो पहले तो ओवरलैप आएगा 1 और 1, तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, और इसको आउटपुट में लिखेंगे तो ये आउटपुट आ जाएगा 0 1 0। ठीक है, अब इसको फिर से एक राइट साइड, ऊपर वाला फिक्स है, अब इसको एक नीचे वाले को एक राइट साइड और शिफ्ट कर लो। अब देखो अब ओवरलैप कितना हो गया, मैक्सिमम ओवरलैप यानी कि 1 6 और 6 1, तो 1 6 कितना आ जाएगा 6 और 6 × 1 कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड कर दो कितना 12। फिर एक राइट शिफ्ट और करो, अब कितना आ जाएगा 6 × 6, अब ओवरलैप आएगा यानी कि टोटल मल्टीप्लीकेशन 36। फिर लास्ट में ऐड कर दो, तो अब ये कोई ओवरलैप आया नहीं इसलिए 0 0। अब इन yn बराबर क्या है, इन सब का एडिशन शिफ्टिंग के साथ, तो जब इनका एडिशन लेंगे शिफ्टिंग के साथ तो ये आ जाएगा 10 1 2 36, टोटल ऐड करोगे 256 आ जाएगा। अभी समझ में आया? यस सर। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ, जैसे अभी ये डिस्क्रीट का ही देख लो, डिस्क्रीट का आसान होता है समझना, इसी के बाद हम लोग कंटिन्यूअस में दिखा देंगे। तो डिस्क्रीट में देखो, एक हमारा इनपुट है, इनपुट बराबर क्या गिवन है 1 2 3 4 1 2 3 4, और इंपल्स रिस्पॉन्स यानी कि सिस्टम का बिहेवियर कैसा है 4 3 2 1, इन दोनों का कन्वोल्यूशन लेना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सिग्नल को रिवर्स कर लो, इसको एक को फिक्स रखो, एक को मैंने फिक्स रखा एचके को, एचके को मैंने फिक्स रखा सॉरी एचके को, और एचके को क्या किया रिवर्ट कर लिया, देखो रिवर्ट कर लिए यहाँ पे हो गया। yes, sir. अब अगर इसको एक रिवर्ट अगर हम लोग लेफ्ट साइड और लिए होते तो इनके और इनके भी, क्योंकि इनपे माइनस वन तो यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ भी अगर इसको लेफ्ट साइड एक और रखे होते तो यहाँ भी माइनस नहीं होता, तो दोनों का कोई ओवरलैप नहीं होता, तो इसको शिफ्टिंग यहीं से करते हैं हम लोग ओवरलैपिंग स्टार्टिंग पोजिशन से। तो अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो पहला केस नंबर वन, जब हमारा की शिफ्टिंग जीरो हो बिना शिफ्टिंग किए, तो मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है 4, और यहाँ मैग्नीट्यूड कितना है 1, 4 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 4, यहाँ पे लिख दिया मैंने 4, समझ में आया? यस सर। एक साइड, अब देखो फिर से हमारा दूसरा काम क्या है, इस सिग्नल को एक और राइट साइड शिफ्ट करो, तो एक राइट साइड और शिफ्ट किया, देखो दूसरा वाले का नंबर 2, एक तो फिक्स ही है सिग्नल, ये सिग्नल तो फिक्स ही है, दूसरे वाले को एक राइट साइड और शिफ्ट कर दो, अब मल्टीप्लाई करो 3 मल्टीप्लाई, देखो पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई 3 है, 3 मल्टीप्लाई विद 1 कितना आ जाएगा ये 3, ठीक 4 मल्टीप्लाई विद 2 कितना आ जाएगा 8, दोनों को जोड़कर जोड़ दो कितना आ जाएगा 8 प्लस 1 आया, ये पोजीशन है तुम्हारा yes, sir. यानी Y1 का। अब दो शिफ्ट कर लो, दो शिफ्ट किए, अब मल्टीप्लाई करो 1 मल्टीप्लाई विद 2, ठीक है फिर 2 मल्टीप्लाई विद 3 और 3 मल्टीप्लाई विद 4, ठीक है कितना आ जाएगा 20, ठीक है ऐसे करते कर, अब एक बार और शिफ्ट करोगे तो मैक्सिमम मल्टीप्लाई यानी 1 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है ऐसे ही देखो ये मैक्सिमम आ गया 30। अब ऐसे ही तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा यानी जितना लेफ्ट साइड आया था उतना ही तुम्हारा अब राइट साइड भी आएगा, देखो 20 11 4, ये सेंटर पोजिशन मैक्सिमम, यही तुम्हारा कन्वोल्यूशन का आउटपुट है। ये देखो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। आ गया अभी समझ में आ गया कन्वोल्यूशन क्या कर रहे हैं? पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका रिवर्ट लेंगे, रिवर्ट लेने के बाद एक एक शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करने के बाद उसको लास्ट में क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। मेथड 2 भी समझ लो, बस थोड़ा सा 5-10 मिनट और लूंगा, बस उसके बाद रोक दूंगा क्लास, इतना ही करूंगा, ठीक है। मेथड 2 में समझो, मेथड 2 में क्या है, हमारा एक प्रॉपर्टी होता है कन्वोल्यूशन का कि अगर डेल का मल्टीप्लाई करोगे, देखो जो शिफ्टेड वर्जन मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी शिफ्टेड हो जाएगा, अगर दोनों में शिफ्टिंग मल्टीप्लाई कर रहे हो कन्वोल्यूशन ले रहे हो तो आउटपुट में दोनों का जो शिफ्टिंग है वो ऐड हो जाएगा यानी कि N0 + N1। सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों सिग्नल को डेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, दोनों सिग्नल को डेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, यहाँ 0 है, डेल एन माइनस 1, डेल एन माइनस 2, और सबका वेट ऐसे ही इसको करो। यस सर। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हो, पहले सिग्नल का मल्टीप्लाई सारे सिग्नल के साथ होता है ना,
यस सर सारे चीजों का मल्टीप्लाई कर देखो डेल मल्टीप्लाई विद 4 डेल एन हो गया डेल एन मल्टीप्लाई विद 3 डेल एन माइनस 1 देखो यहां पे माइनस 1 शिफ्टेड यहां पे कोई शिफ्टेड नहीं है तो ओवरऑल शिफ्टेड क्या होगा माइनस 1 ऐसे ही तुम्हारा डेल एन माइनस 2 यहां पे माइनस 2 ऐसे माइनस 3 यहां पे माइनस 3 अब इसका मल्टीप्लाई करो 2 डेल एन माइनस 1 तो 2 मल्टीप्लाई विद 4 कितना हो जाएगा ये समझ में आ रहा है 2 मल्टीप्लाई विद 4 8 और यहां पे देखो शिफ्टिंग -1 और यहां पे शिफ्टिंग कितना है यहां पे कोई शिफ्टिंग नहीं है तो ये -1 यहां पे आ जाएगा लेकिन अगर ये दूसरे एक बार फिर से देखो सेकंड वाला इसे अब इसका 2 डेल एन माइनस 1 का मल्टीप्लाई सारे सिग्नल के साथ होगा एक एक करके पहले वाले सिग्नल का मल्टीप्लाई करो 2 डेल एन माइनस 1 तो 2 * 4 कितना आ जाएगा 8 और यहां पे शिफ्टिंग देखो -1 है यहां पे शिफ्टिंग कुछ नहीं है तो 0 -1 यहां पर जाएगा -1 अब इसी सिग्नल का अगर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई विद 3 कितना हो जाएगा 6 और यहां पे शिफ्टिंग है -1 और यहां पे भी शिफ्टिंग है -1 तो -1 -1 -2 -2 अभी समझ में आया यस सर अब ऐसे ही तुम्हारा तीसरे के साथ कर लो -3 आ जाएगा ऐसे ही चौथे के साथ कर लो तो -4 आ जाएगा ये समझ में आया यस सर आ गया समझ में यस सर आ गया अब इसी तरह तुम तीसरे का मल्टीप्लाई कर लो चौथे का मल्टीप्लाई करो और लास्ट में जब हमको ऐड करना होता है तो पोजीशन वाइड ऐड होता है पोजीशन वाइड मतलब इसको जो पोजीशन है वो जैसे डेलन का डेलन और कोई नहीं है तो ये डायरेक्ट लिखोगे 4 अब यहां पे देखो n माइनस 1 और यहां पे n माइनस 1 है तो दोनों ऐड होंगे यानी 3 प्लस 8 3 प्लस 8 कितना होगा 11 अब यहां पे देखो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 2 6 12 कितना हो जाएगा 20 ऐसे 3 यहां पे भी 3 होगा चेंज कर लेना 3 3 3 और ये 3 सबको ऐड कर दो ये हो जाएगा 30 फिर 12 6 2 कितना जाएगा 20 फिर 11 फिर 4 ये समझ में आया कि नहीं यस आ गया सर आ गया तो इसी का शॉर्टकट बनाया गया टबलर टबलर का मतलब क्या होता है कि पहले इक्वेशन को लिखो देखो ऊपर वाले इक्वेशन 4 3 1 2 1 नीचे वाले इक्वेशन को ऐसे लिखो सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करो 1 मल्टीप्लाई विद ऑल 4 3 2 1 फिर 2 मल्टीप्लाई विद ऑल 8 6 4 2 फिर 3 मल्टीप्लाई विद ऑल ऐसे कर लो फिर जैसे कि इसमें हम लोग एंगल बनाए ना ये डायगोनल डायगोनल एंगल बनाया जिससे इनका शिफ्टिंग यानी जो वो जिस पोजीशन है पोजीशन सेम रहे तो यहां पे भी डायगोनल बनाना पड़ता है तो डायगोनल मैंने सेट किया पहला 0 फिर इसका 3 ये 3 फिर ये ऐसे अब इनको ऐड करो तो 4 ऐड हो गया तो 2 8 प्लस 3 11 12 6 2 20 16 9 4 1 30 12 6 2 20 11 और 4 तो ये एक मेथड देखो दोनों का आंसर सेम होगा चाहे तुम इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो दोनों का आंसर सेम है नंबर के हिसाब से हमें चूज करना पड़ता है ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया यस सर आ गया अभी समझ में आ गया यस सर इसका एक और शॉर्टकट है देखो शॉर्टकट क्या है आंसर तुम्हारा सही आ रहा है कि नहीं तो इसके लिए मैंने क्या करता हूं सारे का जितना भी इसका जो सैंपल है उनको जोड़ लो इनको सब इन सबको जोड़ो देखो इन सबको जोड़ने पे 100 आ रहा होगा ठीक है इन सबका जो आउटपुट का सम है वो इनपुट का सम मल्टीप्लाई विद सिस्टम का सम बराबर होगा अब इनपुट का सम कितना आएगा 10 6 5 देखो 4 प्लस 1 5 और ये 5 10 और ये भी 10 तो 10 * 10 100 आ रहा है और इन सबको भी जोड़ोगे यस सर अगर ये आ रहा है इसका मतलब तुम्हारा आंसर सही है और अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आंसर रॉन्ग है ये समझ में आ गया यस सर इसमें कोई दिक्कत नो सर ठीक है तो ऐसे ही तुम्हारा कंटीन्यूअस में करोगे एक बार कंटीन्यूअस का भी तुम लोग देख लेना एक शॉर्टकट में बता दे रहा हूं बस शॉर्टकट बना के छोड़ दे रहा हूं ठीक है देखो सेम ऐसा ही है यहां पे भी पहले आउटपुट को क्या किया कन्वोल्यूशन में कंटीन्यूअस में इंडिविजुअल डेल्टी को अप्लाई किया एचडी आ गया शिफ्टेड अप्लाई किया आउटपुट भी शिफ्टेड आ गया दोनों को मल्टीप्लाई अप्लाई किया आउटपुट भी उसी मल्टीप्लाई में आया ये सबको ऐड कर दिया तो हमारा क्योंकि लिमिट डेल को जीरो करना पड़ता है तो ये क्या हो जाएगा ये एक इंटीग्रल बन जाएगा जो समीशन है तो यहां पे हमारा कन्वोल्यूशन का फार्मूला आ गया अब इसमें ध्यान देना है कि ये तुम्हारा टी वेरिएबल नहीं है टी शिफ्टिंग है यहां पे जो डमी वेरिएबल है वो है टाउ यानी यहां पे भी हमें क्या करना पहले तुम रिवर्ट करोगे और फिर शिफ्ट कर करके उसको ऐड करते जाओगे जैसे यहां पे देखो
एक एक करके आउटपुट निकाला, लास्ट में आउटपुट को सबको मैंने जोड़ दिया। अब जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था रिक्टेंगुलर वाला, रिक्टेंगुलर में क्या है देखो, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि दोनों का जो विथ है वो सेम है। रिप्रेजेंटेशन एक बार समझ लेना, पेपर में जरूरी नहीं है रिक्टेंगुलर लिखे, ऐसे भी लिख सकता है। तो यहाँ पे जो आर ई टी है ये रिप्रेजेंट करता है रिक्टेंगुलर, या यहाँ पे पाई जो है पाई बताता है कि रिक्टेंगुलर होगा, ठीक है। ए बताता है उसकी हाइट कितनी है, जैसे इसकी हाइट है ए, तो यहाँ पे ए और ये भी ए, एम्पलीट्यूड, ये समझ में आया? यस सर। और जो नीचे का 2t है ये बताता है कि उसकी विथ कितनी है, तो 2t इसकी विथ है यानी माइनस टी से लेके टी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट याद रखना, यहाँ पे लिखा हूं मैं गेट फंक्शन, गेट फंक्शन दिख रहा है, तो गेट सर, गेट फंक्शन एक्सिस के सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी कि जीरो एक्सिस से लेफ्ट भी उतना हो राइट भी उतना हो। अगर ये ऐसा बनता है तो इसको कहते हैं गेट फंक्शन। अगर ये शिफ्टेड है, मान लो कि इस तरह का फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर कहलाएगा, ना कि गेट फंक्शन। अंतर समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको जीरो एक्सिस के सिमेट्रिक ना हो तो वो रेक्टेंगुलर कहलाएगा। समझ में आया? यस सर। किसी का आवाज आ रहा है, कट रहा है, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, तुम लोग इसको एक बार कर लेना। देखो पहले मैंने क्या किया, रिवर्ट किया, रिवर्ट किया यहाँ पे। अब इन दोनों का ओवरलैप लिया, कोई ओवरलैप नहीं आ रहा था, तो आउटपुट हमारा क्या आ गया, जीरो। फिर हम थोड़ा सा इसको शिफ्ट किए, चेक कर लेना एक बार, शिफ्ट किए तो ये ओवरलैप आया। ओवरलैप कितने आ रहा है, माइनस टी से लेकर टी प्लस टी से, हमारा इंटीग्रल ले लिए, इस तरह का फंक्शन आ गया, ठीक है। थोड़ा और ओवरलैप ले लिए, फिर हमारा इस तरह का फंक्शन आया, एक बार चेक कर लेना। फिर हम इसको अगर ले गए और लेफ्ट राइट मूव किए, कोई ओवरलैप नहीं आया, तो आउटपुट हमारा जीरो आ गया। तीनों फंक्शन को लिख लिया। अब मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ, तुम लोग एक बार चेक कर लेना। देखो दोनों का जो, दोनों रेक्टेंगुलर थे सेम है विड्थ थी, इसीलिए इस साइड ट्रायंगुलर आ गया, ठीक है। अभी समझ में आया? आवाज घट गई सर। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है, ठीक है। यस सर। टाइम भी हो रहा है, मैं एक पैटर्न बताना चाह रहा था। चलो फिर तुम लोग इतना तब तक कर लो, फिर मैं इसको बाद में डिस्कस कर लूंगा कंटिन्यूअस टाइम का, ठीक है। ओके सर जी। तो पहले आज इतना कर लो, फिर देखता हूँ, इतना कर लो फिर उसके बाद मुझे डिस्कस कर लो, ठीक है। ओके सर, आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं, लंच वंच कर लो, अब तक मैं अटेंडेंस ले लूँ एक, ठीक है सर। अभी कहीं जाना मत, तुम लोग।